तो फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे कैप्सूल और पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड की यदि कैप्सूल की हम बात करें, कैप्सूल बनता किससे है पैरोटिड ग्लैंड का? पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल बनता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर क्या बनाती है? कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड बनाती है। अब ये क्या करता है, जो कैप्सूल होता है ये स्प्लिट करता है कहां पे? सुपरफिशियल और डीप लेयर जो होती है ना, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया में क्या करेगा, स्प्लिट करेगा और एनक्लोज कर लेगा किसको? पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड को एनक्लोज कर लेगा। यदि हम बात करें सुपरफिशियल फेशिया की, और सुपरफिशियल फेशिया कैसा होगा? थिक होता है, एडेरेंट होता है, थिक होगा, एडेरेंट होगा, और किससे अटैच होगा? ये अटैच होगा जायगोमेटिक आर्थ से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डीप लेमिना। डीप लेमिना थिन होती है और अटैच होती है किससे? अटैच होती है वो कि उसकी ट्रिक है, उसकी ट्रिक क्या है, वो अटैच होती है किससे? टिम्पेन, टिम्पेन, टिम्पेन में पोस्टमैन का स्टाइल। किसका स्टाइल? पोस्टमैन का स्टाइल, इससे अटैच होती है क्या? डीप फेशिया। टिम्पेन से आ जाएगा टिम्पेनिक प्लेट, पोस्टमैन से आ जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, और स्टाइल से आ जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस। इस इन तीन से क्या अटैच होती है? डीप फेशिया, डीप लेमिना अटैच होती है किसमें? कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड में। टिम्पेन से टिम्पेनिक प्लेट, यहाँ आ जाएगा पोस्टमैन से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, और स्टाइल से आ जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाएगा। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल और टिम्पेनिक प्लेट से कौन अटैच होता है? डीप फेशिया या डीप लेमिना अटैच होती है, ठीक। एक होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, वो क्या है? पोर्शन ऑफ डीप लेमिना। डीप लेमिना का जो पोर्शन है एक्सटेंड कर जाता है कहां? बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल। स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच डीप लेमिना का जो पोर्शन क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा, वो होता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है, सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को किससे? सबमैंडिबुलर ग्लैंड से सेपरेट करेगा। और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पियर्स करती है किसके, किसको पियर करती है? सबमैंडिबुलर लिगामेंट को पियर करती है। ये तो थी कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की थ्योरी। अब इसके डायग्राम से समझते हैं हम। डायग्राम यदि हम इसका बनाए तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम इसका बनता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। डायग्राम बना रहे सर, डायग्राम कुछ इस तरह का होता है सर, ठीक है। ये इतना समझ में आया? यहाँ पे एक मसल होती है, यहाँ पे ये मसल होती है कौन सी? ये मसल होती है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको। ये मसल होती है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे होती है जायगोमेटिक आर्च, ठीक है। ये क्या जायगोमेटिक आर्च है? ये हो गई जायगोमेटिक आर्च, ठीक है, और ये हो गई स्किन, ठीक है। अब हम बताते हैं ये वाला, ये है क्या, ये होता है कौन सा फेशिया? ये होता है सुपरफिशियल फेशिया या पैरोटिड फेशिया, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरोटिड फेशिया या इसे बोलते हैं सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया या लेमिना। इसके अलावा डीप लेमिना होती है, डीप लेमिना होगी यहां से, देखो यहां से ऐसे होती है, ठीक है, डीप लेमिना होगी यहां पे होगी, देखो यहां पे ये होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहां पे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की यहां पे ये क्या है पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक, और ये हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इतनी स्ट्रक्चर समझ में, देखो ये तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, ये क्या पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्ट्रिक, ठीक है, और ये क्या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी, ये क्या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके अलावा इसमें होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस विद अटैच मसल, देखो यहां पे डीप फेशिया से अटैच होता है वो, ये रहा, ये क्या है स्टाइलॉइड प्रोसेस विद अटैच मसल, स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस विद अटैच मसल, ठीक है, ये बात होगी। ये क्या है हमारा डीप फेशिया है, ये क्या है डीप फेशिया, ये होता है डीप लेमिना, डीप लेमिना, ये क्या डीप लेमिना ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर, ऑफ
इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है ये वाला इतना समझ में। इसके अलावा इसमें होती है रेट्रो मैंडिबुलर वेन और नर्व, यहां पे होंगी देखो यहां पे ये रेट्रो मैंडिबुलर वेन और नर्व है, ठीक है ये क्या है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं रेट्रो मैंडिबुलर वेन, ठीक है आरएमडी रेट्रो मैंडिबुलर वेन एंड और क्या रेट्रो मैंडिबुलर वेन एंड रेट्रो मैंडिबुलर नर्व, रेट्रो मैंडिबुलर वेन और रेट्रो मैंडिबुलर नर्व होती है यहां पे, ठीक है इतना हो गया। इसके बाद हम बात करें किसकी, जायोमेटिक आर्च हो गई, स्टेलेट प्रोसेस हो गया। हमने क्या कहा क्या था, हमने क्या कहा था आपसे कि जो कैप्सूल होता है किससे बनता है, इससे बनता है कैप्सूल, जो बनता है वो बनता है इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेज ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर से क्या बनता है कैप्सूल बनता है, ठीक है इतना समझे। और हमने क्या कहा था वो स्प्लिट कर जाता था कहां पे डीप लेयर में डीप फेसिया में और पेरोटिड फेसिया में, ठीक है ये भी इन्वेस्टिंग लेयर होती है सुपरफिशियल फेसिया ऑफ इन्वेस्टिंग लेयर, वो स्प्लिट कर गया और पेरोटिड ग्लैंड को क्या कर लिया उसने एनक्लोज कर लिया। ये जो डीप फेसिया होता है ना ये तो होता है थिन, ये तो होता है पतला, ठीक है और ये अटैच किससे था, ये किससे अटैच था हमने ट्रिक बताई थी आपको कहां टिम्पेन, टिम्पेन में कहां पे टिम्पेन, टिम्पेन क्या है जगह है टिम्पेन, टिम्पेन में पोस्टमैन का स्टाइल, पोस्टमैन का स्टाइल, तो ये किस किस से अटैच है टिम्पेन से टिम्पेनिक प्लेट, पोस्टमैन से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल और स्टाइल से हो जाएगा स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है इससे अटैच होती है क्या डीप लेमाइना, किस किस से टिम्पेन से टिम्पेनिक प्लेट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल और स्टाइलॉइड प्रोसेस, इसके अलावा पोर्शन ऑफ डीप लेमाइना जो एक्सटेंड करता है बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में उसे बोलते थे हम क्या स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट क्या होता है ये पोर्शन होता है जो एक्सटेंड करता है स्टाइलॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में उसे बोलते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये करता क्या है ये सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को किससे सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, ठीक है ये क्या है कौन सा स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। इसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये क्या करेगी पियर्स करती है किसको स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट को क्या करेगी पियर्स करेगी। पैरोटिड फेसिया सुपरफिशियल फेसिया की हम बात करें ये कैसा होता है थिक होता है एडेरेंट होता है और अटैच किससे होता है देखो ये किससे अटैच है ये रहा ये अटैच है जायगोमेटिक आर से, तो पैरोटिड फेसिया किससे अटैच है जायगोमेटिक आर से अटैच होता है ये समझिए इतना। इसके अलावा हम बात करें किसकी ये जो कैप्सूल होता है ना कैप्सूल ये क्या करता है इसको प्रोटेक्शन कर रहा है पैरोटिड ग्लैंड की एक तरह से प्रोटेक्शन ही तो करता है कैप्सूल, ठीक है तो ये थे इसकी कैप्सूल और पैरोटिड ग्लैंड में सारी स्ट्रक्चर। रेट्रोमैंडिबुलर वेन और रेट्रोमैंडिबुलर नर्व कहां है डीप फेसिया के अंदर है कि नहीं ये भी बात हो गई। ये क्या है पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगेस्टिक, ठीक है ये थी क्या कैप्सूल ऑफ पैरोटिड ग्लैंड की बात। प्लीज कमेंट करके बताएं आपका टॉपिक कैसा लगा एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकॉन दबाने ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।